तो हेलो गैस, तोहिद मुस्तफ़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग है पंछी डैम का। चलिए हम अपना पंछी डैम दिखाता हूँ। और ये है झारखंड बॉर्डर, धन भाजन ये झारखंड बॉर्डर है। तो आप मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगा सब कुछ। बहुत ही काफ़ी अच्छा जगह है। फ्रंट कैमरे से दिखाऊंगा ये सब। काफी बड़ा डैम है और काफी लंबा पुल भी है। इधर आ जाइए, इधर। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, सब डैम वगैरह आजन वगैरह कुछ पीछे है। देख के तो अच्छा लग रहा है, आप लोग भी देखिए। ये सब जो घूमने का ना फुर्सत से आइए दम और घूमिए दम इतमान से। मैं आया हूँ सेट से। बारह फुट दिख रहा हूँ बैठ बैठ रहा हूँ। यहाँ मस्त लग रहा है। आया अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत। चलिए आपको मैं से आएंगे क्या भजन है कि नहीं? दिए हैं थोड़ा, हम लोग लेट कर दिए आने में। हाँ, लेट कर दिए हम लोग आने में थोड़ा। तो ये है पंची डैम और ये है झारखंड बॉर्डर का कुछ नज़ारा, जो कि झारखंड बॉर्डर होते हुए जाता है पंची डैम। और पंची डैम का बता दूं कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं 1 जनवरी के दिन पिकनिक मनाने के लिए। बंगाल, आसनसोल, बहुत सी जगह से लोग आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। और इस जगह पे स्नैक पार्क भी है, बोले तो बहुत ही खास लोकेशन है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। तो चलिए मैं आपको नदी, बोले तो डैम दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए मैं आपको डैम दिखाता हूँ। तो ये देखिए डैम, जो कि डैम खुलने के बाद काफ़ी खूबसूरत दिखता है। ये देखिए वाइट वाइट पानी दम, बहुत ही ताबड़तोड़ दम नज़ारा, देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक बात बता दूं, उसके लोग नीचे जाते भी हैं, पत्थर वगैरह है वहाँ पे, नीचे जाने के बावजूद भी फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हो आप लोग, पिकनिक मना कर सकते हो। 1 जनवरी के दिन आ सकते हो आप लोग। तो मैं आपको जूमिंग करके दिखाता हूँ, ये देखिए पानी वगैरह कैसे बह रहा है। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। एक बार ज़रूर आप लोग इस जगह पर आएँ, 1 जनवरी के दिन आएँ मनाने। कभी भी आ सकते हो आप लोग, मगर 1 जनवरी के दिन लोग बहुत ही भीड़ रहता है इस जगह पर, काफ़ी भीड़ रहता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर का है, एकदम बोले तो बहुत 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 खूबसूरत। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें आप। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों को मत शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर जगह का अपडेट देते रहता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे।